सर्वप्रथम मैं हमारे सेज स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के सदस्यगण और अध्यापकगण सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज विश्व मृदा दिवस पर इतना अच्छा प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें कि पौधारोपण एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी है जो उन्होंने आयोजित की, जिसमें सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया और सभी लोगों ने एक एक पौधे का पौधारोपण किया। दूसरा ये है कि इन्होंने जो सीनियर साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, मृदा के क्षेत्र में, उनके आज उन्होंने सेशंस भी रखे हैं। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और बच्चों के लिए और संस्थान के लिए और ओवरऑल पर्यावरण के हिसाब से बहुत सारी गतिविधियां समय समय पर हमारी टीम करती रहती है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि मृदा मिट्टी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए है, क्योंकि वहीं से हमारी जो भी प्रोडक्शन होती है, क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, वो मिट्टी की क्वालिटी जितनी अच्छी होती है उतना अच्छा प्रोडक्शन होता है। और भारतवर्ष तो पूरे विश्व में प्रोडक्शन के लिए, अच्छी क्वालिटी के क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। तो ऐसी हमारी उम्मीद है और हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि हम इस तरह से एग्रीकल्चर इंजीनियर्स को तैयार करेंगे जो कि हमारे देश की मृदा को सुरक्षित रखेंगे और उसको काफी उर्वरक बनाएंगे। धन्यवाद। सॉइल डे को एक साथ करके हम कैसे समाज के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपने सेक्चर को, पाठ्यक्रम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। सर, पहले आपको बहुत बहुत बधाई। सेज विश्वविद्यालय, जैसा हम सभी जानते हैं, मध्य भारत का सबसे अग्रणी संस्थान है और उसके एग्रीकल्चर विभाग ने जो आयोजन किया, ये बहुत ही एक आज के दिन में आवश्यक बिंदु था। समाज में जिस तरह शहरों में जितना विकास तेजी से हो रहा है, उस तरह से पर्यावरण का और मृदा का जो एक असंतुलन आ रहा है विकास की वजह से, उस पर इस विषय को छूना बहुत ही जरूरी था। वृक्षारोपण, पौधारोपण एक बहुत ही आवश्यक इसमें पहलू हो जाता है। तो इस कार्य को जो उन्होंने आगे बढ़ाया, उसके लिए मैं इनको पुनः बधाई देता हूँ। और ये कार्य हम छात्रों के द्वारा बहुत आगे से आगे स्तर पर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि शहरों में जो लगातार विकास हो रहा है, कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, रोड्स बन रही हैं और तरह तरह के मॉल्स आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं, उससे पर्यावरण और मृदा का विशेष रूप से रूप, जो उसका प्राकृतिक रूप था, उसमें ह्रास हुआ है। तो इस क्रम को आप लोग आगे बढ़ाते रहिए और एग्रीकल्चर विभाग हमारा इसमें बहुत अग्रणी रहा है और अग्रणी रहेगा। और मैं आपसे अपेक्षा भी करूंगा और शुभकामनाएं भी साथ साथ दूंगा कि इस कार्य को जारी रखें। धन्यवाद।